कृपा हम सबके ऊपर बराबर है, लेकिन विशेष कृपा किसी किसी पर होती है। और विशेष कृपा क्या है? पद्म पुराण, यस्य तुष्टो होयं पार्थो वित्तं तस्य हरम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदं सा कष्टेन जीवति। भगवान कहते हैं पार्थ, मैं जिस पर विशेष कृपा करना चाहता हूं, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, उसके धन को छीनता हूं, धन को, बिजनेस में, व्यापार में लॉस देता हूं साहब। क्यों? जो इसका मन बुद्धि चित्त धन में लगा है, इसकी अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई है, अनर्थ किसके जीवन में? जिसकी अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई, अनर्थ उसके जीवन में है। उठते बैठते चलते फिरते दिन में रात में अर्थ अर्थ अर्थ, पैसा धन संपदा, आज यही तो स्थिति है। आज की स्थिति यह है कि लोग चाहते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। भगवान जब विशेष कृपा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये मेरी कृपा का भाजक बने, ये मेरा अपना है। वित्तम तस्य हरम्यहम्। लेकिन इसकी स्थिति आती है, बिजनेस में लॉस हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, तो अपने बंधु बांधवों मित्रों के पास पहुंच गया सहयोग लेने के लिए। भगवान देखते हैं, अच्छा तू फिर वहीं गया। करोमि बंधु विच्छेदम, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी कहा सुनी होती है, कुछ ऐसे इश्यू बनते हैं बंधुओं से, परिवारी जनों से, मनमुटाव हो जाता है, अकेला रह जाता है, अकेला। धन गया, व्यापार गया, कुटुंब गया, परिवार गया, परिकर गया, समाज गया, रह गया अकेला। और उस परिस्थिति में जब ये मेरे को नहीं भूलता, तदरूप मेरे को भजता है, स्मरण करता है अनन्यता पूर्वक, तो मैं आता हूं और इसको अपने गले लगाता हूं, फिर ऐसी कृपा करता हूं, ऐसी कृपा जो इसने कभी विचार भी नहीं, कभी संकल्प में भी नहीं आया होगा। यह है भगवान की विशेष कृपा।